पैसिव में हम पढ़ते थे एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय जो नियम थे वो हमने शुरू किए। तीन नियमों को हमने पढ़ा, चौथा नियम हम ले रहे हैं कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, कौन सी फॉर्म आए, सेकंड फॉर्म आए एक्टिव वाक्य में, तो वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म आए तो वाजवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। याद हो जाएगा नियम, पहला नियम था फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही ई ऐसा तो ई जा रहे हो तो बी आई एन जी बींग लगाएंगे, है जे हो तो बीन लगाएंगे। अब सेकंड फॉर्म आ गई अगर वर्ब की तो वाजवर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है अपने को, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे वाक्य है मोहन रॉट ए बुक, मोहन एक किताब लिखी, तो आपको इसमें पहचान आनी आवश्यक है कि ये जो है फर्स्ट नहीं है, रॉट कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है। ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये तो पता ही हो गया, अब तो आ गया, ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। जब हम पैसिव बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे ए बुक, क्या आ गया, पहले पहचान की कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगाना है, वाज या वर, एक वचन कर्ता के साथ वाज है, आई के साथ वाज है, बहुवचन कर्ता और यू के साथ वर का प्रयोग करेंगे, तो ए बुक एक वचन है इसलिए क्या लग गया, वाज। थर्ड फॉर्म तो लानी है रिटन, बाई लगा कर क्या लिख दिया, मोहन, समझ में आ गई बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो किसका प्रयोग करना है, वाजवर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट को देखकर, और कठिन कुछ नहीं है इसमें, अंदर आराम से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। दूसरा है माई सिस्टर कुक्ड फूड, माई सिस्टर कुक्ड फूड, तो यहाँ पर आप जाके देखोगे तो फर्स्ट फॉर्म एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आपको होगी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ये अपना ऑब्जेक्ट है और माई सिस्टर पूरा अपना क्या है, सब्जेक्ट। जब पैसिव बदलेंगे तो फूड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बन गया, सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो किसका प्रयोग करना है, वाज वर्ब का प्रयोग करना है, फूड सिंगुलर है इसलिए क्या लग जाएगा, वाज। कुक की सेकंड फॉर्म थी कुक्ड, ये तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो थर्ड फॉर्म भी कुक्ड ही होती है, तो कुक्ड आ गया, और बाई लगा कर क्या लिख देंगे, माई सिस्टर, वाक्य क्या बन गया, फूड वाज कुक्ड बाय माई सिस्टर। तो आसानी से हम वाक्य को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मोहन टॉट इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो यहाँ पर ये जो टॉट है पढ़ाना सिखाना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट इसकी टीच होती है, टीच टॉट टॉट होता है, ये इंग्लिश अपना ऑब्जेक्ट आ गया, मोहन अपना क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। जब पैसिव चेंज करेंगे तो पहला काम क्या करना है, इंग्लिश को सब्जेक्ट में बदलना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आ गया इंग्लिश, इंग्लिश आ गया, टॉट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो किसका है, वाजवर का, इंग्लिश वाज। टॉट की थर्ड फॉर्म बोलो तो आप टीच फर्स्ट है, टीच टॉट टॉट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉट, बाई लगा कर क्या लिखा हुआ है, मोहन है तो मोहन आ जाएगा, कोई दिक्कत आई तो बता सकते हो, पूछ सकते हो मेरे से। सेकंड फॉर्म देखी, वाजवर का प्रयोग किया है, कुछ नहीं किया है, आसानी से आप बना सकते हैं वाक्य, ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, आप बस एक पहचान आपको करनी है कि ये नियम इसमें लागू हो रहा है, ये नियम उसमें लागू हो रहा है, ये आ रहा है इसलिए ये लगा ले, इसके अलावा इसमें कोई कठिन बात नहीं है।
माई फादर एट फूड. अब ये एट है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ईट एट पर ईटन. ये आपको थोड़ा वर्ब का याद रखना है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये पास्ट पार्टिसिपेंट, ठीक है ना. ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है. ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है. तो फूड ही आ गया, फूड आ गया. एट कौन सी फॉर्म है? तो आपको पहचाना याद होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म है, तो वाच वर्ब का प्रयोग करना है, तो फूड वाच. एट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन. बाय लगा कर क्या लिखना है? सब्जेक्ट क्या है? माय फादर. तो इस प्रकार हम चौथे नियम की तरफ चले, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो किसका प्रयोग करना है? वाच वर्ब का प्रयोग करना है. और बाकी चीज़ें वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बाय लगा कर लिखना है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है.